हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो। आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, लेकिन 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 आज ब्लॉक से हमें मिलने वाला है रैंडम आइटम, जैसे कि हमें डार्ट ब्लॉक से मिल सकते हैं डायमंड और डायमंड से मिल सकते हैं डार्ट। तो चलो इसी चीज को देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में आ गया मेरे नए वर्ल्ड पे। वर्ल्ड पे आते ही हमारा बेसिक सा काम होता है वुड को कलेक्ट करना, लेकिन इस बार मैं वुड को कलेक्ट करना नहीं वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉक हो चुका है रैंडम आइटम। हर ब्लॉक से मुझे मिलेगा रैंडम आइटम। पहले तो मैं इस डार्ट ब्लॉक से देखेंगे कि मुझे क्या मिला। तो मुझे इधर से गाइज मिला एक फिशिंग रॉड जिसमें अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है। तो मैं अब नेक्स्ट तोड़ने वाला हूँ इस ग्रास को, और इधर से देखो मुझे पूरा डायमंड का आर्मर मिल गया सिर्फ चेस्ट प्लेट को छोड़ के। तो मैं सब कुछ पहन लेता हूँ, ये मैंने लेगिंग्स बूट और हेलमेट सब कुछ पहन लिया। तो अब बारी है तोड़ने की इस स्वर कैन को, और इधर से देखते हैं। इधर से तो मुझे एक पिकैक्स मिला जिसमें लगा हुआ है अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 5, वो भी मेंडिंग के साथ। अब मैं तोड़ने वाला हूँ इस पत्ती को। इधर से तो मुझे गाइस पूरा आलू का भंडारी मिल गया जिसमें एक स्टैग आलू है, 18 पॉइजनस आलू और एक्स्ट्रा 9 आलू है। तो इतनी देर बाद अब जाके मैं वुड को तोड़ने वाला हूँ, और इधर से देखते हैं मुझे क्या मिलता है। इधर से मुझे एक वुड का लॉग तो मिला ही, उसके साथ साथ ये 26 कुक्ड भी मिल गया, जो मेरा खाने का काम इंतजाम तो हो गया। अब मैं तोड़ने वाला हूँ, हाँ सैंड को तोड़ लेता हूँ क्योंकि ये पास में ही है। तो मैं सब स्टैंड को भी तोड़ लिया। इधर से मुझे मिला ये 40 स्काल्क मिला, और ये स्काल्क कैटलिस्ट कुछ तो नहीं है इसका, और ये स्काल्क सेंसर मिल गया। इस स्काल्क सेंसर का काम है जो केप के अंदर वार्डन रहता है, इसके मदद से ही वो स्पॉन होता है। तो अब मैं तोड़ने वाला ग्रैबल को तोड़ लेता हूँ, और देखते ग्रैबल से मुझे क्या मिलता है। तो इधर से मुझे ग्रैबल तो मिला ही, इसके साथ साथ एक और चीज़ मिला मुझे। इसका क्या नेम है? इसका नेम है लोडस्टोन। इसके गेम में क्या काम है मुझे तो मालूम नहीं, अगर आप लोगों को पता है इसका क्या काम है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट तोड़ने वाला हूँ इस फ्लावर को। इधर से भी मुझे आलू मिल गया गाइज, उधर से पत्ती से मुझे आलू मिला, इधर फ्लावर से आलू मिला, मेरे पास बहुत सारा आलू हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट में दुकान ही खुल बैठूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से सेल हो जाएगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा आलू हो गया। देखते देखते रात हो गया, और आप सोच रहे हो कि मुझे ये वार्मोसेम बायोम सडनली कहाँ से मिल गया। देखो मुझे ये बायोम सडनली नहीं मिला, मैं जिधर स्पॉन हुआ था उधर से ये बायोम पास में ही है। स्टार्टिंग के टाइम पे ही मुझे ये बायोम दिख गया था, तो इधर मैं आया क्योंकि इधर बहुत सारे नए नए ब्लॉक रहते हैं। तो मैं उनमें से सभी ब्लॉक कर तोड़ कर देखूंगा कि उनमें से मुझे क्या नया चीज़ मिलता है। अभी तो मैंने एक ब्लॉक को तोड़ लिया जिससे मुझे मिला 4 ब्लॉक ऑफ डायमंड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरा पूरा डायमंड का आर्मर बनने में सिर्फ चेस्ट प्लेट ही बाकी था, तो मेरा चेस्ट प्लेट भी बन जाएगा। और मैंने एक और ब्लॉक तोड़ लिया जिससे मुझे क्या मिला देखते हैं। इससे मुझे कुछ खास आइटम तो नहीं मिला, बस एक गोल्डन पिकैक्स एंड एक डेड ब्रेन क्वाल ब्लॉक मिल गया। इधर से जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि देखो चारों तरफ बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो गया, और मेरे पास एक बेड तक नहीं है। पहले ही मुझे एक बेड बना लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से तो अभी आसपास में कोई सीप भी नहीं होगा जो मुझे उल दे सके और मैं एक बेड बनाऊं। एक काम करता हूँ, ब्लॉक को ही तोड़ तोड़ के देखता हूँ कि शायद उससे मुझे उल या फिर बेड मिल जाए। पहले तो मैं इस कैक्टस को ही तोड़ लेता हूँ, इससे मुझे सिर्फ ये आइस मिला। मेरा लक ही खराब है, मैंने बहुत देर से ढूंढा, सभी ब्लॉक को तोड़ तोड़ कर देखा कि बस कहीं से मुझे ऊल मिल जाए। और इसको देखो पहले पर ये मुझे मारने की, पता नहीं कहां से टोपी पहन कर आ गया। और इधर के साइड पे मैंने एक ब्लॉक तोड़ा था जिससे मुझे ऊल तो नहीं मिला, लेकिन ये ब्लेज डॉट मिल गया, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर से मुझे 9 ब्लेज डॉट मिल गया, और बस एंडर पाल मिल जाए मुझे तो मेरा पूरा आई ऑफ एंडर बन जाएगा। और देखते हैं वाटरमेलन से मुझे क्या मिलता है। इधर से भी मुझे उल नहीं मिला भाई, कहीं से तो उल। ये क्या था? मैं से ऊपर से सीधा नीचे गिर गया, मतलब गिरा तो नहीं, मैं गिरने से बच गया। इस कंबी को देखो, पहले इसको पड़ी है मुझे मारने की, और मैं अभी खाई में गिर जाता और ये मारने की मुझे पड़ी है। उड़िया बादाड़ी, मैं इधर तो दो बार बच गया, मेरा तो अभी जान ही निकल गया था। इधर मैं एक मिनट के लिए सोचा था कि मैं एकदम नीचे गिर गया और मेरा गेम खत्म, गया टाटा बाय बाय।
बैम्बू से देखते क्या मिलते, इधर से देखो गाइस क्या मिला मुझे, इलाइट्रा मिल गया सीधा। ये स्पाइडर से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये मुझे आकर अटैक ना कर दे, तो पहले तो मैं इलाइट को कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जो सोचा था वही हुआ, और ये स्किन को क्या हो गया, अरे तू भागना यहाँ से क्यों तंग कर रहा है। तो मेरा इलाइट्रा तो आ गया ना, हाँ तो मेरा इलाइट्रा आ गया, और रॉकेट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्टिक जा, बैम्बू तू भी जा, रॉकेट कहाँ गया, रॉकेट आ जा कलेक्ट हो जा, ये रॉकेट कलेक्ट हो गया। मैं काम करता हूँ, इलाइट्रा को पहन लेता हूँ, इलाइट्रा को पहन ले, और रॉकेट सामने तू आ जा। हाँ रॉकेट सामने आ गया ना, हाँ रॉकेट सामने आ गया, 63 रॉकेट है मेरे पास। मैं काम करता हूँ, ऊपर ही सीधा भाग जाता हूँ। उधर से मैं सीधा निकल के इधर के साइड पे आ गया जिधर मैं स्पॉन हुआ था, इसी के पास में, और मैंने लैंड भी किया है पेड़ के ऊपर ताकि कोई जॉम्बी स्केलेटन आकर मुझे परेशान ना कर सके। सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा कम है, तो मैंने ये खाना खा लिया, और साथ साथ मैं इन्वेंटरी को भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इन्वेंटरी में बहुत ज़्यादा कचरा भर चुका है। तो ये बियोंग स्टैंड निकल, सैंड निकल, कैक्टस निकल, ये बैम्बू तू भी निकल, राइस तू भी निकल, तू भी निकल, फिशिंग रॉड तू भी निकल, सब कुछ निकल यहाँ से। और इस जॉम्बी को देखो, ये कहाँ से आ गया इधर, इधर आने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, मैं इधर लैंड होने के टाइम पे देखा था कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये जॉम्बी कहाँ से आ गया। तो मैं पेड़ के पत्ती को भी तोड़कर देख लेता हूँ कि शायद मुझे इससे ही उल मिल जाए तो मेरा काम अभी भी बन जाएगा, अभी तो दिन होने में थोड़ा सा टाइम है। तो मेरे पास एक ओक लॉग है जिससे मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ, और प्लैंक्स बनाकर एक कैप्टन टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास अभी भी कोई शॉट नहीं है, और कहीं से तो मुझे शॉट भी नहीं मिला। तो ठीक है, तो मैंने ये क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, और इसको इधर प्लेस करते हैं। अब बनाता है एक शॉट, जिसके लिए मैं 13 डायमंड ब्लॉक को मैं पहले तो डायमंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास वुड नहीं था तो मैं नीचे से ही तोड़कर वुड ले लिया, और इस वुड से तो मैं पहले प्लैंक्स बनाऊंगा, और उस प्लैंक से स्टिक बनाकर एक शॉट बना लेता हूँ। तो मैंने ये शॉट ले लिया और इसको सामने ले लेते, और मेरा शॉट तो बन गया। अब इधर से निकलते हैं, देखो थोड़ी देर बाद शायद दिन हो जाएगा तो इधर रह के मैं करूँगा ही क्या, तो निकलना ही बेटर होगा। तो पीछे क्रीपर है, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, नहीं तो आकर ये फट जाएगा मेरे पास। सामने स्पाइडर है, इसको तो मारना ज़रूर पड़ेगा। देखो स्पाइडर से मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे स्पाइडर के मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पीछे देख रहे हो कितना ज़्यादा स्केलेटन है, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, फालतू में उन लोगों के साथ फाइट लूँगा तो बेकार में टाइम वेस्ट होगा। और जो लोग इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे जो लोग नए हो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने में। तो मैं इधर वार्मोसियम बायोम के साइड पर आ गया, मैंने इधर के साइड पर बहुत सारे ब्लॉक तो पहले तोड़ा है, लेकिन बहुत से अभी भी ब्लॉक है जो मैंने अभी तक नहीं तोड़ा, तो मैं उसको भी तोड़कर देखूंगा कि उससे मुझे क्या नया आइटम मिलती है। पहले तो मैं काम करता हूँ, सारे ब्लॉक तोड़ ही लेता हूँ, उसके बाद सीधा ऊपर जाके सब कुछ एक साथ कलेक्ट करेंगे। तो इसको भी तोड़ लेता हूँ, देखते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे सीधा। तो मैं ये ऊपर आ गया, और इधर ऑब्सिडियन है, ये गोल्डन सॉर्ड है, मैं सब कुछ है, सब कुछ तो नहीं ले पाऊँगा, और इधर बुक भी है। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए तो पहले मेरे इन्वेंटरी को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी में भर चुका है, तो मेरे इन्वेंटरी में ऑब्सिडियन नहीं आ रहा। तो मैं इन्वेंटरी को एक बार क्लियर कर लेता हूँ, मैंने इन्वेंटरी को भी क्लियर कर दिया। पहले तो मैं ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ इधर, और इधर के साइड पर भी थोड़ा बहुत था तो मैंने इसका भी कलेक्ट कर लिया। बाद में मैं पानी से निकल कर चेक कर लूँगा कि इधर से मुझे कितना ऑब्सिडियन मिला। ये मैं पानी से बाहर आ गया, पहले तो मैं चेक करूँगा कि मुझे उधर से क्या क्या नया नया आइटम मिला। तो उधर से मुझे ये 7 ऑब्सिडियन मिल गया था, और मेरे इन्वेंटरी में बहुत ज़्यादा कचरा भर चुका है, तो मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ पहले, तो मैं सब कुछ फेंक देता हूँ। तो मैंने इन्वेंटरी को भी क्लियर कर दिया, और इधर देखो मेरे पास बहुत सारे नए नए ब्लॉक है, जैसे ये आयरन डायमंड ब्लॉक, ये एमराल्ड ब्लॉक, और ये स्काल के है, ये स्काल कैटलिस्ट है, ये सब भी तो ब्लॉक के टीम पे ही पड़ता है। तो इसको भी मैं तोड़कर देख सकता हूँ कि मुझे उधर इधर से क्या नया नया आइटम मिलता है। पहले तो मैं आयरन ब्लॉक को तोड़कर देखता हूँ इससे मुझे क्या नया आइटम मिलता है। इधर से ये सिर्फ गोल्ड ब्लॉक मिला, लास्ट में डायमंड ब्लॉक मैं तोड़ूंगा, पहले एमराल्ड को तोड़ लेता हूँ। एमराल्ड से मुझे ये कुछ खास तो नहीं मिला, बस सब कुछ गोल्ड का आइटम है। तो इस ये स्काल को भी तोड़ लेता हूँ, जो जिसके मदद से ये वार्डन स्पॉन होता है, इससे मुझे एक शॉट मिला जो पहले मिलना चाहिए था मेरे मुझे। और ये स्काल कैटलाइस्ट है, इसको तोड़ लेता हूँ।
ये सब ब्लॉक इतना मजबूत क्यों है? इधर से मुझे सिर्फ ये एक एनविल मिला, लास्ट नहीं है, इसको भी तोड़ कर देखता हूँ। इधर से मुझे ये ग्लास, ब्लैक ग्लास है ये शायद, इस ये मिल गया और इसको भी तोड़ लेता हूँ। इसका क्या नाम है मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसका क्या नाम है। तो इधर से मुझे लकड़ी का भंडार मिल गया पूरा का पूरा, और अब बारी है डायमंड ब्लॉक की तोड़ने की। इससे देखते हैं कुछ खास मज़ेदार माल मिलेगा शायद। इधर से ये क्या मिल गया, TNT गाजर। ये थोड़ी मजाक चल रहा है, डायमंड ब्लॉक है ये, इससे तो कुछ अच्छा खासा आइटम मिलना चाहिए था। ये क्या मिल गया, दूसरी बार तोड़कर देखता हूँ क्या मिलता है। ये क्या है, ये सब आयरन का चीज़ें मिल रहा है इधर से, ये डायमंड ब्लॉक से आयरन का चीज़। ठीक है, तीसरी बार भी तोड़कर देखता हूँ। मैं नहीं खेलूँगा यार, ये क्या माल मिल रहा है इधर से, लास्ट बार तोड़कर मैं देखता हूँ क्या मिलता है। छोड़ दो, डायमंड की ब्लॉक से एक्सपेक्ट ही नहीं है मुझे कुछ। ये 11 स्लाइम बॉल मिल गया, और TNT भी एक ब्लॉक के टीम पे पड़ता है, तो मैं TNT को भी तोड़ कर देखूंगा कि उससे मुझे क्या मिलता है। चलो डायमंड ब्लॉक से ही तो सही है, स्लाइम से तो हो सही है, मैं कम से कम ये खेतीबाड़ी तो हो जाएगा हो से। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे सभी और को तोड़ कर देखना है कि उससे मुझे क्या नया नया आइटम मिलता है, कि जैसे कि ये डायमंड ओर्स हो गया, आयरन ओर्स, लैपिस लाजरी का ओर्स, ये गोल्ड ओर्स और डेडस्टोन का भी ओर्स मिलता है। ये सब कुछ तोड़ कर देख रहे हैं, और मैंने एक पीछे कुछ देखा इधर से, इधर कुछ देखा है मैंने शायद, इधर कुछ तो था, इधर मैंने कुछ देखा। और ये सब मैंने पहले जो तोड़ा था वो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो अभी तक रह गया ये। और ये लाइट क्या गया, ये उड़ क्यों नहीं रहा, ये लाइट क्या हो गया, मैं नीचे ही गिर गया, ये रॉकेट नहीं छोड़ा, ये लाइट फ्लाई तो कर रहा है, मतलब जब मैं जब तीन बार जाम बटन को टच कर रहा हूँ तो ये रॉकेट नहीं, इलाइट्रा उड़ तो रहा है, मतलब फ्लाई हो रहा है आसमान में, लेकिन रॉकेट नहीं छोड़ रहा, तो इसी वजह से ये उड़ नहीं पड़ा। और पानी से तो पहले निकलो पानी से, क्योंकि फ्लाई नहीं होता। तो क्या हुआ, उड़ जा यार, फ्लाई तो हो जा, क्या हो रहा है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। फाइनली आप जाके मुझे एक बहुत बड़ा रेबिन मिल गया, इससे तो आसानी से मुझे डायमंड का ओर्स मिल जाएगा। और इधर के साइड पे बहुत सारे नए नए ओर्स है, आयरन ओर्स है, आयरन ओर्स को पहले तोड़ कर देखते हैं। इससे मुझे ये TNT मिल गया, और बहुत सारे फ्लिंट है, लावा बकेट है, फ्लिंट को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, नेदर पोर्टल को एक्टिव करने में काम आ जाएगा, तो मैंने फ्लिंट को कलेक्ट कर लिया। और एक और आयरन ओर्स को तोड़ कर देखते क्या मिलता है। इससे मुझे कुछ खास आइटम तो नहीं मिला, और इससे देखो, इससे मुझे एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल मिल गया। एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये व्हीट को फेंकते, ये आयरन निकल, ये एजलिया टू भी निकल, तो ये तीन एन्चेंटमेंट एक गोल्डन एप्पल मुझे मिल गया। और इधर नॉर्मल गोल्डन एप्पल भी है, इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 9 गोल्डन एप्पल हो गया। और इधर से ये क्या उबर खबर चीज़ मिल रहा है, कुछ अच्छा आइटम तो दे दे, जैसे ये गोल्डन एप्पल दे दिया ऐसा कुछ। पहले तो मैं सब कुछ तोड़ लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि मुझे इधर से क्या क्या मिल रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तोड़ दिया, अब देखते हैं क्या इधर से मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयरन ओर से मुझे इतना बुरा आइटम मिलेगा। कोल ओर से देखते हैं मुझे क्या मिलता है, इधर से भी सेम चीज़। और इधर से देखो, इधर से मुझे कुछ नया आइटम मिल गया, और इधर तो सीधा ड्रैगन का हेड ही मिल गया, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो डायमंड तू निकल, स्केलेटन स्कल निकल, ये ड्रैगन हेड आ गया, इसको पहन कर देखते हैं, ये देखो कितना खतरनाक सा दिख रहा है। और इधर तो एक विदर का स्कल भी है, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एक है और दो मिल जाए तो मेरा 3 हो जाएगा, और विदर को मैं स्पॉन कर पाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा नीचे ही जाकर देखता हूँ कि डायमंड रोज मिलता है कि नहीं, और उससे तोड़ कर देखेंगे कि मुझे क्या नया आइटम मिलता है। मेरे पास लाइटर है, मैं सीधा जंप कर देता हूँ। ये क्या, लाइटर फ्लाई क्यों नहीं किया, और पीछे कीपर को फूट रहा था, और स्पाइडर तू जाना पहले मुझे गोल्डन एप्पल खाने दे, और मेरे हेल्थ देखो 2 हेल्थ का था सिर्फ। ये क्या था, ये पीछे किसी कीपर कहाँ से आ गया, मुझे खेलना ही नहीं है। और पहली बात तो ये विच को क्या हो गया था, ये इनविजिबल कैसे हो गया था, मुझे ये बताओ। और एक बात, मैंने इलेक्ट्रा पहना हुआ था, जंप किया तो इलेक्ट्रा फ्लाई क्यों नहीं किया, और क्रीपर को तो पीछे से आना ही था और उसको फूटना ही था। बस हो गया, खेल ख़त्म, पैसा हजम। मैंने सोचा था कि इस वाली वीडियो में भी एंडर ड्रैगन को भी कूटूंगा, और मेरे पास एक विदर स्कल था जिससे मैं सोचा था कि और 2 विदर स्कल कलेक्ट करके 3 विदर एक विदर को स्पॉन करूंगा, कुछ नहीं हुआ। आज तो एंडर ड्रैगन को मारे बिना ही वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।